तो हेलो जी नमस्कार, क्या हालचाल है? आप लोग देख रहे हो XUV700 और बाहर अपनी खड़ी है अदर देन बिग डैडी स्कॉर्पियो एन। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को नई स्कॉर्पियो एन दिखाई थी, लेकिन यार XUV की काफ़ी डिमांड आ रही है। सभी लोग तो इसका अपनी XUV का टॉप मॉडल तो नहीं खरीद सकते, तो आज उन लोगों के लिए मैं लाया हूँ अपना बेस मॉडल XUV700 का बेस मॉडल। ये बेस भी नहीं, बेस से मतलब सेकेंड बेस मॉडल है, AX3 वेरिएंट है इसका ये। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इस AX3 वाले वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, प्लस ये वाला वेरिएंट 5-सीटर ऑप्शन के साथ आता है। और भाई इसकी ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो AX3 वेरिएंट का वेटिंग पीरियड तो भाई साहब 16 से 20 वीक का है। ठीक है, प्राइस की बात कर ले तो प्राइस लगभग इसकी 15 से 15.5 लाख रुपए जाती है। उस प्राइस रेंज में हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आज हम लोग देखने जाते हैं और देख भी लेते हैं कि भाई साहब XUV700 का बेस वेरिएंट हमारे लिए कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बेस से एक ऊपर वाला AX3। और भाई साहब XUV700 की बात करें तो इसमें हमें लगभग 3 या 4 मॉडल मिलते हैं। सबसे बेस्ट MX ये AX3, फिर AX5 आता, फिर AX7 और वो लग्जरी वगैरह तो आता ही है। तो चलो अब जल्दी से देखते हैं कि इस वाले वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले की बात कर ले तो की हमें एक महिंद्रा के नए लोगों के साथ आएगी, खैर गाड़ी में भी आ ही रहा है, और फ्लिप की आएगी लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के ऑप्शंस के साथ। फ्रंट से बात कर ले तो फ्रंट में हमें यहाँ पर नहीं भाई साहब ये कैमरा नहीं है, महिंद्रा का लोगो सिर्फ यहाँ पर एक स्पेस दे रखी है और यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है। साथ में अब लाइट्स की बात कर ले तो एक मिनट में लाइट्स आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ। अब लाइट्स की बात कर लेते हैं, लाइट्स कैसी मिलती है तो इस वाले वेरिएंट से हमें ये DRL तो मिल जाएगी, लेकिन यार DRL मिल रही है लेकिन मैन्युअली हमें इसे ऑन करना पड़ेगा मतलब पार्किंग लाइट पर। और यहाँ पर हमें फोक लैंप्स मिल जाएंगे और सारा ही इसका हेडलाइट्स का हिसाब किताब हेलोजन में और प्रोजेक्टर वाला हिसाब किताब नहीं मिलेगा, सिंपल ही पूरा कन्वेंशियल है। और फ्रंट से यहाँ पर स्किड प्लेट हमें सिल्वर कलर में दी गई है। और अब साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड में हमें ऐसे कुछ इसके व्हील्स मिलते हैं जो कि मैनुअल क्या स्टील रिम्स के। और भाई साहब इनकी साइज़ की बात कर लें, साइज़ लगभग 235/65/17 इंच के भाई हमें AX3 वाले वेरिएंट में हमें ये वाले व्हील्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिनियल मिरर हमें यहाँ पर ब्लैक फिनिश में मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश में। और वाइपर्स भी भाई साहब 15 लाख रुपये में इन लोगों ने जीप कंपास वाला तो वाइपर ही दे दिया, तो और क्या चाहिए। खैर इस साइड से बात करें तो कुछ ऐसा इसका लुक निकल कर आएगा। खैर रियर से भी इस वाले वेरिएंट में हमें रूफ रेस देखने मिल जाएगी। सनरूफ की बात करें तो सनरूफ इस वाले वेरिएंट में हमें नहीं मिलेगी। खैर अब रियर से बात कर लेते हैं, रियर में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो रियर में हमें इसमें टॉप मॉडल वाले पूरा सेटअप मिलेगा, साथ में यहाँ पर XUV700 की बेजिंग के नीचे AX3 की बेजिंग भी हमें मिल जाएगी। और इस वाले वेरिएंट में आपको फीचर्स भाई पूरी टॉप मॉडल लगेगी, क्योंकि रियर वाइपर डिफॉगर वॉशर सारे ही कुछ तो आ रहा है इसमें, और क्या लोगे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी पूरा LED सेटअप है। और पार्किंग सेंसर भी इस वाले वेरिएंट में हमें मिल जाएंगे, कैमरा भी देख ले, कैमरा यहाँ पर मिसिंग है। और बूट की बात कर ले, बूट कितना मिलेगा, क्योंकि ये अपना 5-सीटर वाला वेरिएंट और आती है XUV700 7-सीटर में। तो भाई बूट देख ही लो कितना ज़्यादा है, 2 सीट्स हट गई तो काफ़ी ज़्यादा बूट हो गया।
तो सामान रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी क्रेटा है उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट है। फिर गाड़ी तो खैर इस साइड से भी लुक की बात कर ले तो कुछ ऐसी दिखेगी। मुझे तो यार ये वेरिएंट भी काफ़ी सही लगा बाहर से। और यहाँ पर हमें फ्यूल, ये वाला वेरिएंट पेट्रोल वाला है तो यहाँ पर हमें फ्यूल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अपेंडिक्स की बैजिंग। खैर इस वाले वेरिएंट में भी हमें ये वाले डोर हैंडल्स मिलेंगे लेकिन ये अनलॉक करने पर बाहर नहीं आएंगे, हमें मैन्युअली इसे बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर के लुक की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है XUV700 का बेस वेरिएंट। तो चलो अब अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या फीचर्स इस XUV में मिलेंगे और थार को भी जल्दी चैनल पर लाते हैं। खैर जैसे ही डोर क्लोज करेंगे यहाँ पर इसका एनिमेशन बना हुआ आ जाएगा, लेकिन ना क्यों नहीं रहा है भाई। ठीक है, तो जैसे इसकी की ऑन करेंगे इग्निशन पे इसका भाई साहब खतरनाक वाला एनिमेशन बना हुआ आ जाएगा। और ये अपना पेट्रोल वाला वेरिएंट। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस बेस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यार XUV लग्जरी के मुकाबले तो अंदर थोड़ी लग्जरी कम है, यहाँ पर भी भाई साहब नॉर्मल भाई काफ़ी पतले ये लग रहे हैं। यहाँ पर टॉप मॉडल में हमें यहाँ पर लेदर की फिनिश के साथ साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्लास्टिक है और यहाँ पर भी पूरा ही प्लास्टिक है। और यहाँ पर भाई साहब पियानो ब्लैक फिनिश का तो नामो निशान नहीं है, यहाँ से सब कुछ हट गया। सिंपल जो चारों पावर विंडोज मिलते हैं वो हमें यहाँ पर मिली है लॉक अनलॉक के स्विच के साथ। यहाँ पर हमें मिरर एडजस्टमेंट मिले हैं लेकिन कोई भी यहाँ पर फोल्डेबल ऑप्शन नहीं मिला। खैर अब स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं, स्टेयरिंग में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। तो स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग पे हमें सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। और म्यूज़िक सिस्टम की बात कर ले तो भाई AX3 में हमें यहाँ पर इतना कनेक्टेड फीचर मिल रहे हैं टॉप मॉडल वाली, तो स्क्रीन इन लोगों ने दिया तो टॉप मॉडल लेने की ज़रूरत ही क्या है। अभी मैं आप लोगों को इसके फीचर्स गिना देता हूँ, फिर आप लोग भी यही चीज़ बोलोगे। तो अब स्क्रीन की बात कर ले तो स्क्रीन को छोड़ कर स्टेयरिंग की बात कर ले तो स्टेयरिंग पर हमें यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले से रिलेटेड कंट्रोल नहीं मिलते। यहाँ पर ना तो क्रूज कंट्रोल है ना MID से रिलेटेड कंट्रोल है, लेकिन MID के रिलेटेड कंट्रोल इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर ट्रिप मीटर वगैरह, इको सेंस वगैरह जो भी इनके फीचर्स आते हैं, और दूसरे सारी नेविगेशन। भाई साहब नेविगेशन दे दी, रुको इन लोगों ने अपन नेविगेशन दे दी इस वाले वेरिएंट में, तो और चाहिए क्या भी। ओहो खतरनाक है। तो भाई AX3 में आप लोगों को इन बिल्ट नेविगेशन मिल रही है और इसे हम लोग शायद फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। ठीक रुको मैं करके दिखा देता हूँ। अब नेविगेशन तो आपको इस वाले वेरिएंट में ही मिलना चालू हो जाती तो और चाहिए क्या फिर। और यहाँ पर हमें हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल के साथ साथ इसमें हाइब्रिड वाला फीचर भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी जो दुनिया भर बाकी जो बेसिक फीचर हैं वो तो इस वाले वेरिएंट में ही हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर स्पीडोमीटर के साथ साथ RPM मीटर दिया है और बाकी सारे जो बेसिक कंट्रोल होते हैं और इन बिल्ट नेविगेशन तो हमें यहाँ पर ही मिल रहा है, तो और क्या बात हो गई। बाकी जो टॉप मॉडल वाला स्टीरियो वो ही मुझे लग रहा है थोड़े बहुत जो बेसिक फीचर है वो कट करे होंगे। बाकी आप दूसरे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो ऊपर की बात कर ले तो ऊपर हमें ये मैन्युअली एडजस्टेबल वाला मिरर मिलेगा। और AC की बात कर ले तो AC इसमें हमें मैन्युअल मिलेगा, लेकिन मैन्युअल कहीं भी फील नहीं होता, पूरा ही ऑटोमेटिक लगता है। प्लस यहाँ पर AC से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं, डिफॉगर से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर हैजार्ड लाइट का कंट्रोल मिलता है यहाँ पर। और भाई ये क्या देख रहा हूँ, सिर्फ ये दो बटन, ये तीन बटन ही सिर्फ कंट्रोल में, ये तो सिर्फ 100 पीस है। तो यार यहाँ पर भी महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा और यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। ये गाड़ी हमें मैन्युअली ऑप्शन में मिलेगी पेट्रोल और डीजल वाले में। और कैमरा भी इस वाले वेरियंट में हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे। और यहाँ पर बड़ा सा पार्किंग ब्रेक और पुनः ही पियानो ब्लैक फिनिश में दिया है, तो काफ़ी लग्जरी एड ऑन कर रहा है। लेकिन यार इंटीरियर यहाँ पर पूरा ही ब्लैक है, तो वो ड्यूल टोन में आता तो वो काफ़ी सही रहता, लेकिन बेस मॉडल में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती है। और यहाँ पर डोर हैंडल्स ब्लैक हैं। और ग्लव बॉक्स की बात करें
ओ भाई साहब ग्लव बॉक्स दिया है, मुझे लगा दिया ही नहीं। ठीक है, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है, कोई भी कूलिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है। और ऊपर की बात कर ले तो ऊपर हमें कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें LEDs में पूरा सेटअप दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर हेलोजन तो भूल ही जानी है, LEDs आप लोगों को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर हमें मिरर भी मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ टिकट होल्डर। तो यार ये तो हो गए इस गाड़ी के फ्रंट से चढ़ते। और स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्विटर मिल रहे हैं, नीचे स्पीकर मिल रहे हैं। यहाँ पर ये शायद 100 पीस का है, वूफर ही है, मतलब सिर्फ जाली लगा रखी है। तो अब रियर से बात कर लेते हैं कि रियर में हमें इस 5 सीटर वाले वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। बाकी यार मेरी बात करो तो मेरा तो दिल इस वाले वेरिएंट पे ही आ गया, क्योंकि मैंने अभी तक कोई सा भी इसका बेस वेरिएंट नहीं दिखा था। आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ। चलो अब जल्दी से पीछे जाते हैं। और डोर हैंडल्स तो हमें ये टॉप मॉडल वाले मिल ही रहे हैं। तो अंदर से बात करते हैं तो ये सीट्स, मैंने ये वाली सीट मैंने ऑल द वे बैक कर रखी, और ये वाली भी ऑल द वे बैक है। लेकिन यार यहाँ से यहाँ पर तो मुझे स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा स्पेस लग रहा है। स्कॉर्पियो भी मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में दिखाई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेस लग रहा है। और भाई साहब कंफर्ट वगैरह की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी सही है, और यहाँ पर रिक्लाइन एंगल भी हमें काफ़ी सही मिल रहा है। और यार लेकिन ब्लैक टोन दी है, वो चीज़ हम लोग आफ्टर मार्केट चेंज करवा सकते हैं। सीट्स कवर इसके, इंटीरियर इसका कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर हमें कोई भी पार्सल ट्रेन नहीं मिलती, लेकिन बूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए अब जल्दी से बताते हैं ये वाला वेरिएंट अगर आप लोग लेना चाहो तो कितने में आप लोगों को पड़ जाएगा, प्लस कितना ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस रेंज में। और भाई साहब ये महिंद्रा की डीलरशिप काफ़ी सही है, आपसे इनकी सर्विस और हॉस्पिटेबिलिटी है। अंबेर ऑटोमोबाइल से दाहोद में, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, नीचे स्क्रीन पर इनका एड्रेस वगैरह आ रहा है। और यहाँ पर हमें कोई भी पुश बटन नहीं मिलेगा, सिंपल हमें भाई बेस मॉडल में कौन देगा। ठीक है, कीस ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर काफ़ी प्यारी लाइटिंग भी हमें मिल जाएगी। तो इस वाले वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो लगभग ये AX3 वेरिएंट पेट्रोल वाला है, तो आप लोगों को 15.5 लाख रुपीस की ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा। यार मेरी बात करें तो अगर आप लोग ये मॉडल लेना चाहो तो काफ़ी सही है, आप लोग बिल्कुल जा सकते हो। खैर आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट लगा। खैर ये थी अपनी XUV700 का बेस्ट मॉडल, आप लोगों को ऐसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये थी अपनी XUV700। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।